नीचे रख के लोडर को, सारे लोडर के लीवर फ्री कर लेते हैं। फिर लीवर फ्री करके हम लीवर को अलग कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसकी साफ सफाई करेंगे। तो साफ करके हमने सबसे पहले ऊपर से दोनों स्पूलों के लिए खोल लिया है। इसमें 3/16 की एलंकी लगती है। एक स्पूल में 2 बोल्ट लगते हैं, दोनों में 4 बोल्ट लगते हैं। वो हम नीचे से खोल के स्पूलों को बाहर निकाल लेंगे। तो हमने नीचे से दोनों स्पूलों को खोल लिया है। नीचे से 3/16 की एलंकी लगती है, लंबे लंबे बोर्ड लगते हैं दोनों स्पूलों में। तो ये बड़ा वाला स्पूल है वो ट्रांसमिशन की सेट रहता है, छोटा वाला जो स्पूल है वो एक्सल की सेट रहता है। तो ये होती हैं सील इन में। तो ये सील हमारी कट जाती है, इसलिए ऑयल लीकेज होता है। तो इन सीलों को हम चेंज करेंगे और ऑयल की लीकेज को बंद करेंगे। तो हमने पुराने सीलों को निकाल लिया है, अब हम नई सील चेंज करेंगे। तो नई सीलों को सबसे पहले हमने ऊपर से चेंज कर दिया है। सील डालते समय हम सबसे पहले ऊपर की सील डालते हैं, फिर उसके बाद हम नीचे की सील डालते हैं। हमारी ऊपर वाली सील डल के तैयार हो गई हैं। तो ये हमारी नीचे से दोनों स्पूलों की सील डल चुकी हैं। तो लोडर वाल्व लॉक की सील डल के हमारी तैयार हो गई हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।